वेलकम टू फार्मा जोश यूट्यूब चैनल। आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वो एप्लीकेशन का नाम है मेड्सकैप। ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें से आप कोई भी ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से विद फ्री में पढ़ सकते हैं और किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं आज के टॉपिक में मेड्सकैप के बारे में। मायसेल्फ सोहन ए पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, श्रीमती एस एम शाह फार्मेसी कॉलेज, अहमदाबाद। तो ये एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे एंड ओपन करेंगे तो ये फ्रंट पेज जो आपको दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा। पहले ये पूरे पेज को आप समझिए कि इसमें से यहाँ पे जो आप डालेंगे वो ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी ड्रग की। दूसरा, यहाँ पे इंटरेक्शन आप चेक कर सकते हो, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आप चेक कर सकते हो। कंडीशन, कोई डिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है और उसके रिलेटेड कौन सी वहाँ पे ट्रीटमेंट काम करेंगी वो आपको समझ सकते हो। कोई प्रोसीजर के बारे में, दैट मीन्स किसी को कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आयर और कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ समझ सकते हो। डिसीजन पॉइंट, कोई डिसीज़ का या कोई कंडीशन का डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन दिए गए हैं बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर के, और पील आइडेंटिफाई के ए ड्रग कौन सी है वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कोई न्यूज़ के बारे में, कोई ड्रग की या मेडिकल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ यहाँ पे अपडेट होती रहती है। एजुकेशन के बारे में, कोई नए प्रोग्राम जो एजुकेटेड रिलेटेड हो और जस्ट जो किसी को एजुकेट कर सके वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड इवेंट जो है नई ऑर्गेनाइज होती रहती है वर्ल्ड के अंदर, वो यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री में दिखाएंगे। तो चलो बात करते हैं पहले पॉइंट के अंदर ड्रग के बारे में। सपोज़ के आपको कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले सपोज़ के मैं सिंपल सी ड्रग की बात करता हूँ, डाइक्लोफेनेट। मुझे डाइक्लोफेनेक की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाइक्लोफेनेक लिखा और नीचे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए, डाइक्लोफेनेक RX, ये जो कौन से क्लास की ड्रग है, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। इसको आप देखिए तो वो डोसेज एंड इंडिकेशन, एडल्ट एंड पेडियाट्रिक का डोज भी यहाँ से आप देख सकते हैं कितना डोज हो सकता है। नीचे देखिए, एज अ टैबलेट पोटेशियम 50 mg है, यहाँ पे देखिए टैबलेट 25, 50, 75, 100, ऐसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई है और कौन कौन सी कंडीशन में ए ड्रग को यूज़ किया जाएगा। देखिए, रोमेटोइड आर्थराइटिस की कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस, अकाइलोसिस, ऐसे बहुत सारी कंडीशन में ए ड्रग को हम यूज़ कर पाते हैं। दूसरी बात देखिए, पेडियाट्रिक पेशेंट के अंदर ए ड्रग कौन कौन से डोज में दी जा सकती है एंड कौन सी कंडीशन में ए ड्रग यूज़ होगी, तो ये हमको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रग जो दिए गए हैं वो डाइक्लोफेनेक के साथ इंटरेक्शन करेंगे। को इंटरेक्शन कैसे इंटरेक्शन करेंगे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेगी। सपोज़ के यहाँ पे मैं बात करूँ कैप्टोप्रिल के, तो डाइक्लोफेनेक एंड कैप्टोप्रिलेक ये दोनों कंबाइन में दी जाएगी तो फार्माकोडायनेमिक एंटागोनिज्म इफेक्ट होगा। दैट मीन्स अवॉइड अल्टरनेटिव, ए एंटागोनी ए कॉम्बिनेशन को हम अल्टरनेटिव करना है, उसको अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। और कोई भी ड्रग के बारे में आपको, सपोज़ के मुझे मेथोट्रेक्सेट के बारे में, तो डाइक्लोफेनेक इंक्रीज द लेवल ऑफ मेथोट्रेक्सेट बाय डिक्रीजिंग द रिनल क्लियरेंस। दैट मीन्स के ये दोनों कॉम्बिनेशन की इफेक्ट क्या है और वो क्यों हो रहा है, पूरी मैकेनिज्म के साथ वो यहाँ पे हमको दिखाएंगे। और ये जो इंटरेक्शन है वो PhD कोई स्टूडेंट है या कोई मेडिकल का कोई स्टूडेंट है और डॉक्टर से जो ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, फार्मासिस्ट जो है वो भी ड्रग को देते हैं पेशेंट को, तो ऐसे केसेस में ये चेक करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है।
और देखिए आगे, ए ड्रग की एडवर्स इफेक्ट का है, तो यहाँ पे बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई गई है कि ए ड्रग की वजह से ए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ए भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स जो फ्रेंड्स है या फार्मासिस्ट जो फ्रेंड्स है उसको हम दे सकते हैं और ए सब लोग अंदर से ए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वार्निंग है, ए ड्रग कौन सी कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर इशू के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इशू के अंदर ए ड्रग नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर ए ड्रग का क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का इश्यू, जस्ट ये प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी होगी और लैक्टेशन के दौरान ए ड्रग की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेगी। और मेन जो इंफॉर्मेशन है वो है फार्माकोलॉजी, यहाँ पे हम उसकी मेकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जान पाएंगे, एब्जॉर्प्शन के कैसे, मीन्स फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, इस सब कुछ इंफॉर्मेशन हम ए एप्लीकेशन में से ले सकते हैं। और इसमें ए ड्रग की कितनी सारी इमेजेस भी यहाँ पे दिखाई जाएगी, ये अलग अलग जो मार्केट में रहती है उसकी ड्रग कैसी हो सकती है, ये पूरी इमेजेस भी यहाँ पे रहती है। तो ए जो था ड्रग के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते। दूसरा जो है ड्रग इंटरेक्शन चेकर, इसके अंदर भी था और यहाँ पे सेपरेट भी दिया गया है। दूसरी बात, हम कोई भी ड्रग डिसीज़ के बारे में भी, हमको सपोज के कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बात की जाए, कोई पेशेंट को यहाँ पे एरिथमिया का इश्यू है, यहाँ बहुत सारे प्रकार के एरिथमिया रहते हैं, उसमें से सपोज़ के मुझे देखना है कि एरा एंटी डायस्रिथमिक का टॉक्सिसिटी, और उसके अंदर मुझे उसके ओवरव्यू में उसकी पूरी डिटेल भी मिलेगी, आखिर डिसीज़ क्या है, वो कैसे होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे है, वो भी हमको मिलेगी यहाँ पे। ट्रीटमेंट भी मिलेगी, कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं, कहने का मतलब है कि डिसीज़ के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन विथ ट्रीटमेंट के साथ हमको यहाँ पे मिल सकती है। प्रोसीज़र, सपोज़ के कोई किसी को कोई प्रोसीज़र है, हार्ट एंड चेस्ट की ही बात करें, किसी को कोई प्रोसीज़र के अंदर देखा जाए को इकोकार्डियोग्राफी करनी है, तो इकोकार्डियोग्राफी क्या है, तो वो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। दिस इज़ अ पेरी प्रोसीड्यूअल एंड टेक्निक्स क्या हो सकती है, वो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेगी। 2D इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रांसड्यूसर टाइप है, करेक्टरिस्टिक अल्ट्रासाउंड बीम, तो ऐसे कोई भी चीज़ की जो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको ए एप्लीकेशन से बहुत ही बढ़िया मैनर में मिल सकती है। ये रहा कैलकुलेशन, सपोज के हमको यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में कुछ कैलकुलेशन करने, रिस्क स्कोर, तो ये रहे अलग अलग तरीके के जो मेडिकल के अंदर होते हैं और डॉक्टर्स जो फ्रेंड्स हैं उन सबको ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम हो सकती है, मगर जस्ट यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके के कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये रहा ये सिंपल सा BMI है, BSM है, तो बॉडी सरफेस, आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम ए एप्लीकेशन में से ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि कोई भी न्यूज़ रहेगा, लेटेस्ट न्यूज़, तो वो लेटेस्ट न्यूज़ जो भी रहेंगे फार्मा रिलेटेड या मेडिसिन के रिलेटेड, वो हमको यहाँ से ये आते रहेंगे, आप कोई भी चाहे वो उसको पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। एजुकेशन जो हमको एजुकेट, COVID-19 टेस्टिंग एक्सपेंड टू द फार्मासीज, ये रहा न्यू गाइडलाइन प्रमोट, तो कोई भी गाइडलाइन या कोई भी न्यू एजुकेट करने का रूल्स रेगुलेशन जो आए वो यहाँ पे हम बता सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे जो प्रोग्राम्स होते रहते, अपकमिंग इवेंट कोई नई आती हो तो वो भी, और किसी को इंटरेस्टेड टॉपिक हो तो उसको सर्च करके उसके अंदर भी वो सुन सकता है या उसके अंदर जस्ट पार्टिसिपेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एप्लीकेशंस डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, मास्टर्स के होते हैं, मीन्स के वो एम फार्मेसी के हो सकते हैं या मेडिकल के लिए MD या MS की कोई प्रिपरेशन करते हो, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट फ्रेंड के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।